किसी रास्ते को डम बोलना कभी कभी सही नहीं लगता है, लेकिन कुछ रास्ते जरूर ऐसे होते हैं जो समय पर डेवलप न होने की वजह से लिटरली आज के दिन में डम बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश के अंदर कई शहरों के अंदर ऐसे कई इंपॉर्टेंट रोड है जो उन शहरों की लाइफलाइन होती है। वो रोड काफी खराब हालत में क्यों ना हो, उनको यूज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता लाखों करोड़ों लोगों के लिए। लेकिन हमारी सरकार जब सोती रहती है और कई बार ऐसे रोड्स के ऊपर समय पर जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए उनको नहीं किया जाता, प्लानिंग अगर की भी जाती है, कंस्ट्रक्शन अगर किया भी जाता है तो वो बेकार तरीके के बेसिस पे किया जाता है जहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं किया जाता। ये सब चीजें फाइनली जाकर किसी रास्ते को डंप बनाती है और यही एक रास्ता जो है वो है मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स है मुंबई के सेंट्रल और सदर्न एरिया को नॉर्दर्न मुंबई के सबअर्ब के साथ में कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न साइड में। लेकिन आज ये इतना कंजेस्ट हो चुका है कि यहाँ पर आप कभी भी जाइए, चाहे वो देर रात या अर्ली मॉर्निंग क्यों ना हो, आपको ट्रैफिक जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो रोड है इसी के भूतकालीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक सारे के सारे हिस्ट्री को हम जानेंगे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई में एक मेजर रोड ऐसा है जो 8-10 लेन का है, जो मीरा रोड से लेकर बैंडर तक एक्सटेंड होता है। 25.33 किलोमीटर के लेंथ का ये हाईवे माहिम क्रीक के पास में शुरू होता है और शहर के उत्तर में कश्मीरा तक जाता है। यहाँ ये नेशनल हाईवे 48 से गुड़ बंदर विलेज में जुड़ता है। आज ये महामार्ग एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है पूरे मुंबई शहर का और ओवरऑल फंक्शनिंग में जरूरी तो है, लेकिन ब्रिटिश टाइम्स में ये रोड एग्जिस्ट नहीं करता था। यह ट्रांसपोर्टेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ साउथ बॉम्बे में बनाते थे ब्रिटिशर्स और वहीं पर सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड था। पर देश के स्वतंत्र होने के बाद में मुंबई एक्सपांड होने लगी, जहां पर सबसे पहले मुंबई की ईस्टर्न सबर्ब्स को डेवलप होने का मौका मिला और उसके बाद लास्ट 30 ईयर्स में मुंबई की वेस्टर्न सबर्ब्स भी डेवलप होना शुरू हुए और आज मुंबई के नॉर्थ मोस्ट रीजन तक हम स्ट्रेच करें तो वहां पे डेवलपमेंट अच्छी खासी हो चुकी है। लेकिन इन्हें मुंबई के कोर या इनर रीजन के साथ में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ में ये जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज आईटी पार्क्स को होस्ट करने वाले एरियाज है ये भी लोगों को अट्रैक्ट करने लगी और इसलिए साउथ मुंबई टू नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ मुंबई टू साउथ मुंबई ये दोनों तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी हो गया। इसलिए यहाँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे डेवलप हुई जिसने वेस्टर्न सबर्ब्स को डीकंजेस्ट करने की कोशिश की और एसवी रोड का कंजेशन यहाँ पे कम भी हुआ। यहाँ कई फ्लाईओवर्स ने भी इस हाईवे को बेहतर बनाने में मदद की, जैसे कि अंधेरी फ्लाईओवर जो साल 2002 में खुला था। ये एक ऐसा फ्लाईओवर है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बनाया गया था विले पार्ली बैंड्रा जैसे एरियाज के अंदर की ट्रैफिक को ये बचाता था। कई और भी फ्लाईओवर्स बने जैसे कि नेशनल पार्क में, दिंदोशी में, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास, पठानवाड़ी, गोरेगांव, जेवीएल, अरसेंचौर, वकोला और हाल में ही खुला खीरवाड़ी फ्लाईओवर। आज के डेट में मोटरिस्ट दहीसर से लेकर बैंड्रा तक बिना सिग्नल के सफर कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट फ्लाईओवर जो SEAR या सहार एलिवेटेड एक्सेस रोड है वो भी यहाँ पर बना। वैसे ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का डायरेक्ट आप हिस्सा नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये रोड टनल्स और ब्रिजेस का इस्तेमाल करती है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होता है और 2014 में खुला एयरपोर्ट फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद में बहुत मदद मिली थी इस हाईवे को। लेकिन फिर इस रोड को मैं डम क्यों कह रहा हूं वो समझते हैं। पहली बात, इस रोड को एज एन कंप्लीट प्रोजेक्ट ठीक से प्लान नहीं किया गया। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ऑलमोस्ट 10 साल से ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई चीजें जो पहली हो जानी चाहिए थी वो अचानक बीच में मलम पट्टी करके बनाई जाती है। जैसे मैंने फ्लाईओवर्स की बात की, इनमें से कई चीजें जो है वो शायद दशकों पहले बन जानी चाहिए थी लेकिन उनको फेजेस में बनाया गया। अगर हम मुंबई के ईस्टर्न भाग में जाए तो आपको देखने मिलेगा ईस्टर्न एलिवेटेड फ्रीवे, जो कि पूरा का पूरा एक एलिवेटेड भाग है चेंबूर से लेकर मजगांव तक और यहाँ पर कोई भी आपको ऐसे बीच में से घुसने वाली रोड ज्यादा जगह पे नजर नहीं आएगी, आपको एक स्ट्रेट पार्ट नजर आएगा। इस रोड पे भी लोड है, ये रोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बहुत नैरो है क्योंकि ये सिर्फ 4 लेन का है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कंजेशन नहीं नजर आएगा ज्यादातर समय पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीच में से डायरेक्टली घुस नहीं सकता, यहाँ पर बार बार ऑफ रैंप्स नहीं है। लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में ये चीजें नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो नीड के हिसाब से बनाया गया। लेकिन इसके बाद में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो इस रोड को और खराब कराती है, जैसे कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम। कुछ समय पहले ही मुंबई के अंदर लाइन 7 और लाइन 2A खुली और लाइन 7 जो है वो जाती है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर से, लेकिन जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब इस हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, कई घंटों तक ब्लॉकेट्स लगते रहते थे और लोगों को दिक्कत आती थी। लेकिन मेट्रो का भी प्लानिंग जो है वो बहुत अजीब तरीके से किया गया था, आप कह सकते हो रोड वो क्रिसक्रॉस करती थी, हालांकि इसके लिए भी रीजंस थे लेकिन कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग
प्लानिंग बेहतर तरीके से हो सकती थी और इसने इस रोड के अंदर की कम्यूटर्स को और प्रॉब्लम पहुंचाई। आज मेट्रो का काम कंप्लीट हो गया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पर ये राहत तो मिली है पहले के हिसाब से, साथ साथ मेट्रो ने भी कुछ लोड ले लिया है पैसेंजर्स का। सेकंड जो रीजन इस रोड को खराब बनाता है वो है फुल पैक डेवलपमेंट। वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर आज के डेट में अगर स्काई स्क्रैपर्स की हम बात करें तो उनकी हाइट्स ऑलमोस्ट साउथ मुंबई के स्काई स्क्रैपर्स से मैच कर दी है, जहां पर आपको मल्टीपल 60 प्लस फ्लोर्स की बिल्डिंग देखने को मिलेंगे। तो समझ सकते हो डिमांड तो इस एरिया में है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के डिमांड वाली चीजें बन रही है, जैसे कमर्शियल स्पेसेस। गोरेगांव की हम अगर बात करें तो नेस्को पार्क, फिल्म सिटी, बड़े बड़े मॉल्स, ये सब जो है ये डिमांडिंग एरियाज बनते हैं किसी एरिया के रोड नेटवर्क के लिए, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। ये सेम चीज जो है बोरीवली कांदिवली में भी रिपीट हो रही है और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे हैं इस रोड के ऊपर, जो कि और कंजेशन इन रोड्स का बढ़ाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। स्पेशली ये बोरीवली एरिया में होगा, जहां पर शहर के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स बन रहे हैं। और प्रॉब्लम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ में ये है कि ये सीधे इन बहुत ज्यादा डेंस डेवलपमेंट्स में से गुजरता है, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको देखने मिलते हैं। इसके कारण आपको ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, ये ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिवली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे कम ये इसलिए दिखती है क्योंकि ईस्टर्न फ्रीवे से अलग जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरे शहर से थोड़ा कटा हुआ है, वो काइंड ऑफ मैंग्रोव के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर आपको दूध लेने जा रहा कोई इंसान बाइक पर नजर नहीं आता। थोड़ा एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर्स के लिए मैं ये एग्जाम्पल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादातर जो है हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स, बसेस या फिर बहुत ज्यादा स्पीड पे जाने वाली मोटरसाइकिल्स नजर आएगी, ना कि छोटे छोटे एरियाज में जाने वाले ऑटोज वगैरह। और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कंपैरिजन में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में ये चीजें नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत आती है। अगला रीजन जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कंजेशन के पीछे वो है पैरेलल रेलवे। मुंबई कम्यूटर्स को पता होगा कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जो रेलवे स्टेशन आते हैं वेस्टर्न लाइन के, उनके बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो रेल के जरिए आने वाला ट्रैफिक है वो इंटीरियर रोड्स के साथ साथ बहुत ज्यादा हाईवे पर भी आता है। ये सेम इशू सेंट्रल लाइन के पास में नहीं है, उनके अपने इश्यूज है, बट यहाँ पर रोड के कंजेशन के अंदर ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जो सबसे मेजर इशू है वो है नॉन एक्सपांडेबल लैंड का। जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट हो गया, एक तरफ में संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया और एक तरफ में कई सारे आने वाले दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स, ये चीजें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अंदर की जा सकने वाली चीजों को बहुत ही कम कराते हैं। कुछ जगह पे मैंग्रोव वगैरह है, लेकिन आप जानते हो कि जिस तरीके से आरए मेट्रो शेड के दौरान हमें प्रोटेस्ट देखने मिले थे, वैसे यहाँ पर भी हो सकते हैं। इसके लिए कोई मेजर स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन बचता नहीं है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए, और इसके लिए इसकी हालत कहीं ना कहीं खराब है। लेकिन अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो गवर्नमेंट इसके बारे में सोच नहीं रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेंटली ये रोड बेकार जरूर है, लेकिन इसके लिए ऑप्शन सोचे जा रहे हैं। सबसे मेन जो काम किया जा रहा है वो है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो मुंबई के नॉर्दर्न पार्ट से सीधा कांदिवली तक जाएगा। करेंटली ये बांद्रा वर्ली सीलिंग तक ऑलमोस्ट बन चुका है, जबकि बांद्रा से लेके वर्सोवा तक यहाँ पर एक बड़ा एलिवेटेड सी लिंक ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि काफी हिस्से में कंजेशन कम करेगा। जिन लोगों शहर के बीच में नहीं जाना है उनको यहाँ से वो हटाएगा। इसके बाद में जो अगला फेज है प्रोजेक्ट का, दहीसर से लेके मीरा भाईंदर तक का, वो एक 4.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा बाहरी तरफ से गुजरेगा, मैंग्रोव के साइड से, समुद्र की साइड से, जिसकी वजह से इंटीरियर रोड्स को तकलीफ नहीं देगा। एट द सेम टाइम वर्सोवा से दहीसर तक भी हमें एक रोड देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर इनिशियल काम चल रहे हैं, जबकि मीरा भाईंदर से लेकर पूरे विरार वसई तक जाने वाला एक बहुत बड़ा लिंक जो बनेगा, देश का ही नहीं लेकिन दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस, उसके ऊपर राइट नाउ डीपीआर का काम चल रहा है। तो ये जो सारे रोड्स है जो समुद्र और मैंग्रोव के ऊपर से बनेंगे, ये खत्म कर देंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की नीड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीधे मुंबई के बाहर जाना चाहते हैं, मुंबई के अंदर के ट्रैफिक के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते, और ये काम भी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये रखा गया है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को डीकंजेस्ट करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसके वजह से होगा ये कि बीएमसी माहिम से लेकर दहीसर तक एक एलिवेटेड रोड बनाएगी, जिसके अंदर केबल स्टेड ब्रिजेस का इस्तेमाल होगा। 15.3 किलोमीटर के एलिवेटेड स्ट्रेचेस होंगे। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि कई इंपॉर्टेंट जंक्शंस और कई इंपॉर्टेंट जगह जहां से रोड के अंदर एंट्री एग्जिट्स होते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, वहां पर टनल्स, अंडरपासेस और ब्रिजेस को बनाया जाएगा और ज्यादा बड़ी संख्या में, जो इस रोड को और डीकंजेस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे बात यह है कि रोड्स फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ सकती किसी भी चीज के लिए, क्योंकि इंड्यूस्ड ट्रैफिक नाम की एक चीज होती है, और एक वीडियो मैंने बनाई थी कि इंडिया कैसे कार सेंट्रिक बन रहा है देश, तो अगर आप उस चीज को जानना चाहते हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर मेन बात यही है कि जब तक ऑल्टरनेटिव्स नहीं आते तब तक ये चीज होती रहेगी। मेट्रो के आने के बाद में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के एक ठीक ठाक हिस्से के ऊपर हमें कंजेशन कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि लोगों ने उसको चूज करना शुरू किया है। जैसे मेट्रो लाइन्स और दूर तक खुलेगी वैसे ही कंजेशन और कम होगा, और वही बेस्ट सॉल्यूशन है रादर देन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस रोड्स पे स्पेंड करने के बजाय। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।